मनीषा रानी एंड थगेश का कोलैब, ट्विटर पे थगेश नंबर वन ट्रेंडिंग, इंस्टाग्राम पे रील पे 16 मिलियन से ज्यादा व्यूज, हर बॉलीवुड न्यूज चैनल पे पोस्ट। और थगेश ने कोलैब किया है, उनका एक रील भी सामने आ रहा है जो कि इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। और आगे वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक डबल धमाका ऑफर जिसमें आप जीत सकते हो ₹1 में iPhone 15, और एक ऐसा ऑफर जिसमें आप हार ही नहीं सकते, और जीते तो आपको मिलेंगे बहुत बड़े प्राइजेस। आपको मिलेगा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 20 टीम्स पे 100% मनी रिफंड, क्योंकि हार के जीतने वाले कोई बाजीगर कहते हैं। पूरा वीडियो देखते रहो, लेकिन मैं इस कोलैब से खुश नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। और प्लीज मेरी क्लिप वायरल करना बंद करो। निशा के लिए लड़ाई हुई तो पहले मैं आऊंगा, क्या क्यूट तो हमें भी लगती है। मनीषा के लिए अच्छा मैंने बोला, और क्रेडिट और कोलैब ले गया वो थगेश। क्यूट लगती है मैंने बोला था, खबरेश मैं खबरेश वो थगेश, अलग है दोनों। मैं बलराम उसका बड़ा भैया, रामायण 9 लाख वर्ष पहले मैं वो राम। ये मेरी क्लिप थी, I'm getting angry now। तारीफ हम करें, कोलैब कोई और कर ले जाए। आ गया देखो। लेकिन थगेश भाई वो रील आपकी बाकी रील से कुछ अलग नहीं था, उसमें कुछ अलग नहीं था। अलग यही था उसमें 15 मिलियन व्यूज आए थे। हाँ, लेकिन जिस साउंड इफेक्ट को रोस्ट करते थे उसी साउंड इफेक्ट पे वीडियो बना दी। मैं अभी नया हूँ इस दुनिया में, एटलीस्ट हंसाने के लिए फेक साउंड इफेक्ट तो नहीं डालता। थगेशो को बीच में मत ला, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। बट मैं बता दूं, वो तारीफ मैंने की थी। हम दोनों सेम दिखते हैं लेकिन हम अलग है, ओके? हम दोनों को एक मत करो, वो क्रिंज है और मैं नहीं। बढ़िया, थगेश एंड मनीषा के रील कोलैब ने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की भी हाइप क्रॉस कर दी। इतनी हाइप तो किसी लॉन्ग फॉर्म के कोलैब में भी नहीं आती। एक यूट्यूबर का कोलैब किसी बिग बॉस कंटेस्टेंट के साथ पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है, तभी भी बहुत बड़ी हाइप बनी थी। लास्ट टाइम जब ये हुआ था एक बंदा पिटा था, यस, फिर उसने म्यूजिक वीडियो में भी पिटने वाला शॉट दे दिया, सिनेमैटिक। पर थगेश भाई पहली बार ट्विटर पे नंबर वन ट्रेंड किए बिना कैंसल हुए। एक ध्रुव राठी है जिसको ट्रेंडिंग पेज पे आने के लिए सीधा सरकार से पंगा लेना पड़ा, और एक थगेश है जिसको ट्रेंडिंग पेज पे आने के लिए बस रील में बॉयफ्रेंड बनाना पड़ा। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। जैसे इंस्टाग्राम खोलो थगेश भाई मनीषा के रील जा रहे हैं, रील एडिट्स आ रहे हैं। ये थगेश साला फुकरा भाई प्लेग्राउंड में क्या बिजी हुए, ये प्लेग्राउंड में उतर गया, देखो इसको। बहुत सारे लोग ये कोलैब को हेट भी दे रहे बोल के कि ये क्या कोलैब है, ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड इसका स्टैंडर्ड कम, उसका स्टैंडर्ड कम। स्टैंडर्ड दिखाने के लिए सिर्फ वो रील के व्यूज ही काफी है, एंड एक कोलैब होता है। आई डोंट थिंक इस कोलैब में किसी को भी हेट देना चाहिए, मनीषा को या थगेश को। हालांकि मैं थगेश नहीं हूँ, मैं खबरेश हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि थगेश को भी हेट नहीं देना चाहिए इसमें। या बट वीडियो में आगे जाने से पहले बात करते हैं कैसे आप बन सकते हो बाजीगर एंड जीत सकते हो क्रेजी प्राइजेस, जैसे आईफोन 15 सिर्फ ₹1 में। यस, सीक्रेट है आपका क्रिकेट का क्रेज। 15th को यानी कि कल IPL का मैच है बैंगलोर और हैदराबाद के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो My11Circle ऐप और अपनी टीम बनाओ मैच के लिए। डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, एंड गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने की एंट्री फीस है सिर्फ ₹1। यस, ₹1 में कितनी बार बोला है किधर हम लोग वेस्ट कर देते, गिरा देते, लेकिन ₹1 में अगर चांस मिल रहा है आईफोन 15 जीतने का, क्यों नहीं। ज्वाइन करो मेगा कॉन्टेस्ट और आपको मिलेगा ये बाजीगर ऑफर। चाहे एक टीम बनाओ या 20 टीम, आपकी ज्वाइनिंग फीस आपको 100% रिफंड मिल जाएगी। और अगर आप हारते भी हो तो अगले 20 टीम्स तक आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, और जीत गए तो मेगा कॉन्टेस्ट में मिलेंगे मिनिमम 1 crore इन द फर्स्ट प्राइस। तो सोचो और भी कितने बड़े प्राइजेस होंगे, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 15 अप्रैल के मैच के लिए वैलिड है। मेरे ही लिंक से एक्टिवेट होगा एंड मेरे ही सब्सक्राइबर्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो एंड मेरा कोड यूज करो Thagesh23। तो डिपॉजिट करते ही आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% रियल कैश। मैंने तो अपनी टीम बना ली है बिकॉज़ आई ट्रस्ट My11Circle, एंड अब तो My11Circle ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है IPL का। सो मेक योर टीम ऑन My11Circle फॉर बैंगलोर वर्सेस हैदराबाद मैच नाउ। सो टॉकिंग अबाउट अनएक्सपेक्टेड कोलैब्स, मोदी जी ने कोलैब किया इंडिया के बिगेस्ट गेमर्स और मित पैट के साथ। बेसिकली मोदी जी और उनका एकदम सेशन हुआ, ग्रुप में पॉडकास्ट हुआ, एंड मित पैट ने मोदी जी को नूब शब्द का मतलब बनाया, लेकिन मोदी जी को उसका मतलब ऑलरेडी मालूम था। यस, अच्छा एक और है, नूब नूब
नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा अरे नहीं नहीं आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूंगा बोल दो आप लोग उनके लिए बोला है कि देश की पॉलिटिक्स के असली MVP तो मोदी जी है। इतना ही नहीं, इन्होंने मोदी जी से फॉल गाइस भी खिलवाया। ये सर आपका कैरेक्टर है और ये जंप बटन है। आगे जाते हैं सर। हुए सर आप तो इसको बहुत मजा आया। भगवान करे मुझे इसकी आदत ना लगे। अनफॉर्चुनेटली वो गेम में मोदी जी को मजा नहीं आया। मोदी जी ने बोला दिमाग का पावभाजी हो रहा है। पूरा दिमाग खपाऊंगा जरा। क्या है मोदी जी भी सोचते होंगे इसमें तो अब की बार 400 पार नहीं हो सकता तो ये गेम में मजा नहीं। वीडियो के एंड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई सीटी होगा कि भाइयों और बहनों आपके बाँ मोदी सर। ये देखो गेमर लोग आदत मत लगाओ मोदी जी को ये सब गेम बीम खेलने का। भगवान करे मुझे इसकी आदत ना लगे। कल को मालूम पड़ा राहुल जी रिक्वेस्ट भेज रहे मोदी जी को लॉबी में पबजी के। लेकिन अगर राहुल गांधी और कांग्रेस वाले होते तो कौन सा गेम खेलते? लास्ट ऑफ अस। मोदी जी ने जिस हिसाब से नूब का वर्णन किया ना, मोदी जी का बस चले तो राहुल गांधी का गेमर टैग रख दे नूबीता। एनीवेज अगली न्यूज आ रही है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जिसने कुछ ऐसा रील डाला। भाई मेरे को पता क्या समझ में आया, मैं ना जैसे श्रीदेवी अपने पति को बेचाती है ना उस मूवी में, कौन सी थी वो, कौन सी मूवी थी जिस मूवी अबे जे से नाम था यार, जुदाई। जैसे जुदाई में श्रीदेवी अपने पति अनिल कपूर को बेचाती है ना, भाई मैं भी बेचाऊंगी अपने पति को मेरी जिंदगी का पति बेचाऊंगी मैं। अब ये रील को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है सोशल मीडिया पे। जनरली ये रील पे कमेंट है अगर रोल्स को रिवर्स कर दो, अगर हम बोले कि हमारी वाइफ को बेच दे हम तो कैसा होएगा। तो इस पे लड़की ने डिफेंड करते हुए अपने आप को ये बोला कि ऑलरेडी मर्द तो लड़कियों के कमेंट में इतना कुछ बोलते हैं तो रोल रिवर्सल का बात करो ही मत। देखो एक बात तो है, कितना भी चौड़ हो सोशल मीडिया के हेट मिलने के बाद तो विक्टिम कार्ड निकल ही जाता है। है ना, ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं और जब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है और रोल्स रिवर्स्ड वाली चीज इस कार्ड को निकाल देते हैं और फिर इस कार्ड को और पता मैंने इतने सारे लोग देखे हैं जो कैश कराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं विक्टिम हूं, ये सभी वो लोग। फिर गुस्से में बंदी ने एक और रील डाल के बोल दिया कि अगर श्रीदेवी खुद आए मेरे को बोलने, मैंने सोचा है मैं ना अपोलोजाइज करूंगी अपनी पति को बेचने वाली रील के लिए, ओनली ऑन वन कंडीशन भाई, अगर श्रीदेवी साक्षात खुद आके मेरे को बोले तो। श्रीदेवी की एक और मूवी आई थी इंग्लिश विंग्लिश जिसमें पढ़ाई लिखाई का महत्व बताया गया था, वो भी देख लेना। बट मत करो डिलीट, यू गो, यू स्ले क्वीन, यू स्ले। मैं तो राखी सावंत को भी यही देता हूँ, डिलीट मत करो रील्स, क्योंकि राखी सावंत भी सेम कंटेंट बना लेती है बिना गाली दिए। यू बोथ गो क्वींस, यू बोथ स्ले क्वींस। दीदी का फिर कंटेंट वगैरह अगर आप देखो तो पूरा वही है, इंस्टाग्राम कमेंट बॉक्स वाला है, मतलब वो होता है ना कंटेंट जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं फिर उसका रिप्लाई देते हैं। दीदी ने सोचा कुछ नया ट्राई करे और ये हो गया। बट मैं सपोर्ट करता हूँ ऐसे क्रिएटर्स को, मैं ऐसे क्रिएटर्स को शिद्दत से सपोर्ट करता हूँ। इनकी वजह से अंजलि अरोरा के लिए भी रिस्पेक्ट बढ़ गई, एटलीस्ट उसके पास अंजलियंस तो है। एक तो मेरे को समझ नहीं रहा ये टाइप की रील बनाने वाली सारी लड़कियाँ सेम क्यों दिखती है। फिर लड़की ने ये वाला रील डाला। चलो एटलीस्ट ऑनेस्ट तो है, इसको पता है ये सोसाइटी के लिए डिसअपॉइंटमेंट है। हम बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट में चुम्मेश्वरी साउथ। चुम्मेश्वरी साउथ में एक बहुत ही फादरलेस एक्टिविटी हुआ है। तो चेन्नई के एक CSK फैन ने 64,000 का टिकट खरीदा मैच देखने और खासकर धोनी को देखने, थला को देखने। अब के बरस है ये सावन, जान ना मेरी ले जाए। Yes. लेकिन न्यूज ये है कि ये बंदे ने अपनी बेटी की कितने महीनों से स्कूल की फीस नहीं भरी। भाई पता है तू CSK फैन है, जैसे CSK 2 साल के लिए ड्रॉप हुई थी, आपकी बेटी भी ड्रॉप हो जाएगी स्कूल से 2 साल के लिए, भाई यही चाहते हो क्या? बेचारी वो स्कूल से सस्पेंशन की धमकी मिलने पे बेटी भी सोचती होगी क्या ये हुआ है इस सावन, बेचैनी क्यों बढ़ने लगी। बोले जो कोयल बाबू में। मेरे को लगता है बेटी धोनी का रिटायरमेंट मांग रही होगी इसलिए बाप ने फीस ही नहीं भरा स्कूल का। क्या फैमिली है। लेकिन इससे भी गजब फैमिली,
हमारे अगले सेगमेंट में यूपी इज ओपी। तो हमें तो पता है जनरली यूपी में चोरी के केस होते हैं, बिहार हाइस्ट सीरीज हमारी चलती है, तो यूपी में इस बार कुछ इनोवेटिव हुआ है। दो भाइयों ने मिलकर वैगनार गाड़ी को हेलीकॉप्टर बना दिया। यस, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर अरे वैगनर का क्या है, ऐसे भी ओला वाले वैगनर को हेलीकॉप्टर समझ के ही चलाते हैं। एक वो राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने प्लेन बनाया, ये साले रॉन्ग ब्रदर्स। बट कुछ भी बोलो, इनोवेशन तो है। बट न्यूज ये है कि ये कार को पुलिस ने सीज कर लिया क्योंकि इन्होंने इलीगली मॉडिफाई कराया था। अच्छा, मॉडिफाई कराया मेरा। ये सीज कर लिया पुलिस ने। भाई सीज तो ऐसे बोल रहे जैसे ये उड़ने वाला था, उड़ने थोड़ी वाला था ये, क्या हैरी पॉटर का गाड़ी है क्या? भाई ने अपने डिफेंस में ये बोला कि उन्होंने ये कार इसलिए बनाई था कि शादी में बारात वरात में अगर ये जाए तो बढ़िया लगे, कुछ अलग लगे। हे डोरेमोन, मैंने सुना स्पाइस जेट वाले अपनी ब्रांडिंग लगाने वाले ये गाड़ी पे, क्या है वो भी उड़ने वाले वैगनर से कम नहीं है। ना लेग स्पेस ना हेड स्पेस। जाने से पहले डाउनलोड करना माई 11th सर्कल, जिससे आपको मिल सकता है 1 रुपए में आईफोन 15। यस, हर वीडियो में बोलता हूँ, हर वीडियो में किसी ना किसी को मिलता है, हर वीडियो में कोई ना कोई इग्नोर करता है, उसको नहीं मिलता है। एंड बाजीगर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने पे 20 टीम्स पे 100% रिफंड मिल रहा है। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड करो, जीत सकते हो 1 करोड़, SUV कार्स एंड इवन बिगर प्राइजेस। एंड पहले डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा रियल कैश भी मिलेगा आपको। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड पिन कमेंट्स में दिया है, हरी अब जाओ, मजाक में मत लो, हर वीडियो में किसी को मिल जाता है एंड जो इग्नोर करता है उसको नहीं मिलता है। कम लोगों के लिए ऑफर है, डिस्क्रिप्शन में जाके क्लेम करो। बाय बाय।